अग्निवीरों के लिए धामी सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड से आ गई गुड न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार ने जब अग्निपथ योजना का ऐलान किया तो इसके कई फायदे बताए, लेकिन जैसे जैसे ये अमल में आया वैसे वैसे इसके फायदे कम नुकसान ज्यादा दिखने लगे। बस फिर क्या, इस बार जब लोकसभा चुनाव हुए तो सड़क से लेकर संसद तक अग्निवीरों का जिक्र हुआ। अग्निवीरों के परिवारों ने भी आगे आकर अपना दुख व्यक्त किया। इस मुद्दे पर बवाल तब और मच गया जब शहीद कैप्टन अंशुमन की मां ने भी राहुल गांधी से मुलाकात कर अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करने की मांग की थी। फौज के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुई है और ज़्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पे फॉलो करें, उस पे विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूँगी कि फौज को दो तरह का ना बांटें, इस पे भी चर्चा हो। जाहिर है एक शहीद कैप्टन की मां ने भी अग्निवीरों का दुख केंद्र सरकार के सामने रखा तो उम्मीद थी कि अब तो इसमें बदलाव होगा ही होगा। बदलाव के नाम पर केंद्र सरकार ने CISF और BSF में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में छूट देने का ऐलान किया। इसी के साथ अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण का भी फैसला किया। इसी बीच हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान कर देश में एक नई पहल की शुरुआत कर दी। पूर्व अग्निवीरों के लिए CISF और BSF के बाद अब हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10% का आरक्षण देने का फैसला किया है। हरियाणा की सरकार के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी अग्निपथ योजना से रिटायर होने वाले युवाओं को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की बात कही है। खुद CM धामी ने इसका ऐलान कर ये साबित कर दिया कि वो अग्निवीरों का दर्द समझते हैं। CM धामी ने अफसरों को योजना तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ये भी आदेश दिया गया है कि रिटायर अग्निवीरों को ट्रेनिंग भी दी जाए, इसे लेकर एक रोड मैप तैयार किया जाए, रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण उनको दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि धामी ने सारे अधिकारियों को इस दिशा में जल्द से जल्द काम करने के आदेश जारी किए हैं। CM का कहना है कि अगर जरूरी हुआ तो विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर इसे पेश भी किया जा सकता है। CM धामी का एजेंडा साफ है, किसी भी कीमत पर युवा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है और उनकी तर्ज पर हो सकता है आने वाले कई राज्यों में इस तरह के फैसले लिए जाएं। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर